आइए दोस्तों, आज हम राग के बारे में जानते हैं। ये अपना तीसरा चैप्टर है, तो राग की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। पहले राग की परिभाषा, सिंपल परिभाषा देखते हैं। राग शब्द रज या राग रंगना अथवा आनंद देना धातु से उत्पन्न होता है। स्रोत तथा वर्णों की वह अनुपम रचना जिसे सुनकर आनंद की प्राप्ति हो, उसे राग कहते हैं। अर्थात ध्वनि की वह विशेष रचना जिसको स्वरों व वर्णों द्वारा विभूषित किया जा गया हो और सुनने वालों के चित्त को मोह ले, वह राग कहलाती है। राग से विभिन्न रसों की अनुभूति होती है, इसलिए राग की परिभाषा में कहा गया है कि रचनात्मक राग। इस रसानुभूति से ही सुनने वालों का चित्र आकर्षित होता है। राग शब्द का अर्थ है आनंद देना। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 विशिष्ट स्वरों और वर्णों की बहुत सुंदर तालबद्ध रचना जिसे आनंद की प्राप्ति हो, उसे राग कहते हैं। अर्थात ध्वनि का विशेष सपना जिसको स्वर वर्णों द्वारा विभूषित किया गया हो, जो सुनने वालों के चित्त को मोह ले, उसे राग कहते हैं। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का होना आवश्यक है। राग की उत्पत्ति ठाटों से मानी गई है, क्योंकि राग गाए बजाए जाते हैं, इसलिए उन्हें रंजक होना ही चाहिए। राग से विभिन्न रसों की अनुभूति होती है। आइए दोस्तों, हम ठाट और राग में अंतर जानते हैं। ठाट की उत्पत्ति सप्तक के शुद्ध अथवा विकृत 12 स्वरों से होती है। राग की उत्पत्ति ठाट से होती है। ठाट में 7 स्वर अनिवार्य हैं। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। ठाट में स्वरों का क्रमानुसार होना आवश्यक है। राग में स्वरों का क्रमानुसार होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि राग में स्वर वक्र भी हो सकते हैं। ठाट को केवल आरोह की आवश्यकता होती है, जबकि राग में आरोह व अवरोह दोनों की आवश्यकता होती है। ठाट गाया नहीं जाता, इसलिए इसमें रंजकता की आवश्यकता नहीं है। राग गाया अथवा बजाया जाता है, इसलिए इसमें रंजकता की आवश्यकता होना आवश्यक है। दोस्तों, हम राग की जातियों के बारे में जानते हैं। राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। संख्या की दृष्टि से राग 3 प्रकार के होते हैं। 5 स्वर वाले राग की जाति को अडव कहते हैं। जिस राग में 6 स्वरों का प्रयोग होता है उसको साडव कहते हैं, और जिस राग में 7 स्वरों का प्रयोग होता है उस राग की जाति संपूर्ण कहलाती है। रागों की 3 मुख्य जातियों से यह पता चलता है कि किस राग के आरोह अवरोह में कितने स्वर लगे हैं, परंतु सभी स्वरों के आरोह अवरोह में भिन्न भिन्न स्वर समूहों का प्रयोग होता है, जिससे स्वरों की संख्या विभिन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, राग देश में आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, जिससे उसकी जाति ओडव संपूर्ण बनती है। इस प्रकार मुख्य जातियों में से कुल मिला के 9 जातियाँ होती है, जो निम्न है। ओडव ओडव, जिसमें 5-5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आरोह अवरोह में दोनों में ओडव साडव, जिसमें आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ओडव संपूर्ण, जिसमें आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। साडव साडव, जिसमें आरोह और अवरोह दोनों में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। साडव ओडव, जिसमें आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। साडव संपूर्ण, जिसमें आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण संपूर्ण, जिसमें आरोह और अवरोह दोनों में 7-7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण साडव, जिसमें आरोह में 7 और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण ओडव, जिसमें आरोह में 7 स्वरों का प्रयोग व अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, वह संपूर्ण ओडव कहलाती है। आइए दोस्तों, हम वर्णों के बारे में जानते हैं। अर्थात गाने की जो क्रिया है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थाई, आरोही, अवरोही व संचारी। दोस्तों, ये अभिनव राग मंजरी जो विष्णु नारायण भातखंडे की पुस्तक है उसके अनुसार है। हम स्थाई वर्ण के बारे में जानते हैं। जब एक ही वर्ण बार बार टहर टहर कर बोला जाए,
तो यह क्रिया स्थाई वर्ण कहलाती है, जिसे स स स रे 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 रे। आरोही वर्ण नीचे से ऊपर तक स्वरों के चढ़ने व गाने की क्रिया को आरोही वर्ण कहते हैं, जिसे सारे ग म प द नी सा। और अवरोही वर्ण ऊपर से नीचे की ओर आने की क्रिया को अवरोही वर्ण कहते हैं, जिसे सा नी द प म ग रे सा। और संचारी वर्ण स्थाई, आरोही, अवरोही व तीनों के संयोग से संचारी वर्ण कहते हैं, जिनमें स्थाई, आरोही, अवरोही व तीनों मिलाकर जिसका निर्माण करती है उसको संचारी वर्ण कहते हैं। जब सभी स्वरों को उलट पलट कर गाया जाए तो सभी वर्ण मिलकर अपना नया राग दिखाते हैं, उसी क्रिया को संचारी कहते हैं। इसके बिना गायन वादन संभव नहीं है। जैसे सा रे ग रे ग म प ग म सा 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 रे 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 प म ग रे सा। निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि स्वरों की विविध क्रियाओं को वर्ण कहते हैं। यदि हम गायन वादन में उपरोक्त चारों वर्णों को उचित प्रयोग करें तो हम अपने गायन वादन को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। आइए दोस्तों हम अलंकार के बारे में जानते हैं। स्वरों की नियमबद्ध रचना या नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण शारीरिक शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकारों द्वारा गायन की शोभा बढ़ जाती है। अलंकारों को पलटा भी कहते हैं। संगीत के नए विद्यार्थियों को सबसे पहले अलंकार सिखाए जाते हैं, जिससे स्वर ज्ञान भली भांति हो सके। अलंकार अभ्यास से कंठ मधुर हो जाता है, गीत की रचना करने में भी सहायता मिलती है। अर्थात जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी और फूलों के बिना लता तथा आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार अलंकार बिना गीत शोभा को प्राप्त नहीं होते। अलंकार वर्ण समुदाय में ही होते हैं। जैसे सा रे ग सा रे ग म रे ग म प ग इत्यादि अलंकारों की दो कड़ियाँ होती है, आरोह अवरोह। आरोह स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं, जैसे सा रे ग म प द नी सा। और अवरोह स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं, जैसे सा नी द प म ग रे सा। अलंकारों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार व जटिल अलंकार। दोस्तों राग में वादी स्वर का बहुत ही वादी स्वर को राजा स्वर भी कहा जाता है। राग के अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आइए हम वादी स्वर के बारे में जानते हैं। राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर है, अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाता है तथा जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है वह राग का वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर को राग रूपी राजा का पद राजा स्वर भी कहा जाता है। वादी स्वर की कोंश स्वर अथवा प्रधान स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर से राग का गायन समय भी निश्चित होता है। किन्हीं दो रागों में स्वरों की समानता होते हुए भी केवल वादी स्वर के परिवर्तन से दोनों राग एक दूसरे से भिन्न हो सक जाते हैं। जैसे राग भोपाली और राग देशकार, दोनों रागों में सा रे ग प द स्वरों का प्रयोग होता है, लेकिन भूपाली का वादी स्वर ग होने से तथा देशकार का वादी स्वर द होने से दोनों राग अलग अलग हो जाते हैं। संवादी स्वर को राग रूपी मंत्री भी कहा जाता है, राजा रूपी मंत्री भी कहा जाता है इसको। तो आइए हम संवादी स्वर के बारे में जानते हैं। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग वादी स्वर से कम अथवा अन्य स्वरों से अधिक होता है। इसे वादी रूपी राजा का मंत्री कहा जाता है। वादी अथवा संवादी स्वरों में चार अथवा पांच स्वरों की दूरी होती है। यदि राग का वादी स्वर ग
होता है तो उसका समवादी स्वर नी होता है। अनुनादी स्वर वादी व समवादी स्वरों के अतिरिक्त राग में लगने वाले स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। जैसे राग अलैया बिलावल में वादी स्वर ध तथा समवादी स्वर ग है। इसके अतिरिक्त लगने वाले स्वर जैसे सारे मापनी, इन स्वरों को अनुवादी स्वर कहा जाएगा। विवादी स्वर के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो स्वर राग में नियमानुसार नहीं लगना चाहिए, जो स्वर राग में नियमानुसार नहीं लगना चाहिए लेकिन कभी कभी राग की सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे विवादी स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग कुशल गायक या वादक ही कर सकता है, क्योंकि इस स्वर का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि राग का स्वरूप ना बिगड़े। जैसे राग भैरवी में रे शुद्ध का प्रयोग विवादी स्वर की तरह इस प्रकार किया जाता है कि केवल राग की सौंदर्य वृद्धि हो। वर्जस्वर के बारे में जानते हैं दोस्तों। वह स्वर जो राग के नियम अनुसार थोड़े प्रयोग से भी राग का स्वरूप बिगाड़ दे वह वर्जस्वर कहलाता है। विवादी और वर्जित स्वरों में मुख्य अंतर यही है कि विवादी स्वर का प्रयोग राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी कर लिया जाता है, किंतु वर्जित स्वर के थोड़े प्रयोग से भी राग बिगड़ जाता है। कर्ण स्वर के बारे में जानते हैं। अलंकारिक स्वर के अल्प व्यवहार को कर्ण कहा जाता है। किसी भी एक प्रधान स्वर को उसके पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती स्वर के कुछ व्यवहार स्पर्श द्वारा अलंकृत करने पर वही पूर्ववर्ती एवं परवर्ती स्वर कर्ण व्यवहार हुआ बोला जाता है। कर्ण एक अलंकारिक स्वर है जिसका उद्देश्य संगीत की रचनाओं को सजाना और संवारना है। मूल स्वर के साथ जो स्वर थोड़ा सा स्पर्श हो जाए उसे कर्ण स्वर कहते हैं। यह स्वर मूल स्वर के एक आगे अथवा पीछे का स्वर होता है। कर्ण स्वर मूल स्वर से दूर भी हो सकता है। कर्ण स्वर मूल स्वर से जितना दूर होगा उतना ही उसका लगाव कठिन होगा। यदि मूल स्वर और कर्ण स्वर की दूरी अधिक होगी तो कर्ण और मीड में अंतर करना कठिन हो जाएगा। बात कंडे स्वर लिपि पद्धति में कर्ण इस प्रकार लिखते हैं। ब के ऊपर थोड़ा ध ध का कर्ण, ग के ऊपर रे का कर्ण, हम संगीत में खटका के बारे में जानते हैं दोस्तों। इस शब्द का अर्थ है भय, संदेह इत्यादि, किंतु संगीत में गिटकरी, मुरकी और खटका अनेक अर्थक बोधक हैं। यह एक प्रकार का अलंकार विशेष है। किसी एक स्वर को उसके आगे पीछे के स्वरों के साथ शीघ्रता से उत्पन्न करने को खटका कहते हैं। खटका प्राचीन गमक का ही एक प्रकार है। इसके प्रयोग से किसी भी राग की सौंदर्य वृद्धि होती है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं गाने के लिए। प माध प पद प म प, हम इसको इस प्रकार गाते हैं राग में। अब मुरकी के बारे में जानते हैं। गमक के इस प्रकार में द्रुत गति से तीन स्वरों का एक अर्धवृत्त बनाते हैं, जैसे रे नी सा अथवा द म प। मुरकी लिखने के लिए मूल स्वर के ऊपर बाईं ओर दो स्वरों को कर्ण दिखा दिया जाता है, जैसे द ध म प। दोस्तों जानते हैं कि संगीत में मिड का क्या स्थान है। गायन और वादन कला की क्रिया का यह रूप विभिन्न भावों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब दो स्वरों के बीच आए हुए स्वरों का प्रयोग किए बिना ही मिलाप किया जाता है तो इसे मीड कहते हैं। दोनों स्वरों के बीच के स्वर स्पर्श करते हुए गोलाई में तो आ सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं। यह विलंबित लय की क्रिया होती है जो भक्ति, शोक और शांत जैसे स्थायी भावों को दर्शाने में सहायता करती है। इसे दर्शन के लिए उल्टा चंद्राकार प्रयोग किया जाता है, जैसे पानी मसा रेप पकड़। दोस्तों पकड़ के बारे में, पकड़ के स्वर लगते हैं हम राग, ये किस राग की पकड़ है राग का पता लगाया जा सकता है। छोटे से छोटा वह स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध हो पकड़ कहलाती है, जैसे
ग म रे सा ग प द नी द प से राग अहिल्या बिलावल का बोध होता है। इस स्वर समुदाय से राग अहिल्या बिलावल का बोध होता है दोस्तों। अब हम आलाप के बारे में जानते हैं, राग राग में आलाप का कितना बड़ा महत्व है। स्वरों को विस्तार पूर्वक गाने व बजाने को आलाप कहते हैं। आलाप राग का संपूर्ण दर्शन कराता है। आलाप आवश्यकता अनुसार मीड, गमक, खटका आदि प्रयोग कर सुखद व आनंददायक बनाया जाता है। आलाप मुख्यतः नोम तोम तथा आकार की आवाज़ में किया जाता है। यह गीत के पूर्व अथवा गाने या बजाने के क्रम में किया जाता है। बड़ा ख्याल आलाप प्रदान होता है, जबकि छोटा ख्याल कुछ छोटे आलापों से सुसज्जित किए जाते हैं। तान, आइए दोस्तों हम तान के बारे में जानते हैं। स्वरों को द्रुत गति से गाने व बजाने को तान कहते हैं। इसकी जाति दुगुण, तिगुण, चौगुण व आठगुण की भी हो सकती है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, अलंकारिक तान, सरल तान, सवार तान, कूर तान आदि। जब तान करने में गाने के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे बोल तान कहा जाता है। आइए दोस्तों हम निबद्ध और अनिबद्ध गान के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं सबसे पहले निबद्ध गान। जो गान पद, स्वर व ताल से बंधा अर्थात मर्यादित हो उसे निबद्ध गान कहते हैं। संगीत रत्नाकर में ग्राम राग, उपराग, अधुना प्रसिद्ध रागों में निबद्ध प्रबंध वस्तु एवं रूपक आदि स्वर ताल एवं पदयुक्त रचनाओं को निबद्ध गान कहा गया है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पर आधारित भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, त्रिवट, चतुरंग आदि गीत के प्रकार प्रचलित हैं। उनकी गणना निबद्ध गीत के प्रकारों के अंतर्गत की जाती है। दोस्तों उस चीज़ को अपन निबद्ध गान कहते हैं जो स्वर ताल और मात्राओं आदि में बंधी हुई हो, उसको हम निबंध गान के अंतर्गत रखते हैं। आइए दोस्तों हम अनिबद्ध गान के बारे में जानते हैं। जो गान काव्य, पद, छंद, ताल, लय में सीमित नहीं है उन्हें अनिबद्ध गान के अंतर्गत रखा गया है। अनिबद्ध गान में राग की स्वतंत्रता रूप से विस्तार होता है। अनिबद्ध गान में राग का स्वतंत्रता पूर्वक विस्तार होता है, जिसे आलाप कहते हैं। यह गायन त नी रे नी नोम तोम सदृश नृतक अक्षरों से किया जाता है। बड़ा ख्याल, कव्वाली ख्याल आदि निबंध के प्रकार हैं। उनके पहले ताल रहित आलाप को अनिबंध गान के अंतर्गत रखा जाता है। आइए दोस्तों हम आश्रय राग के बारे में जानते हैं। प्रत्येक राग किसी न किसी ठाट से उत्पन्न होता है। रागों को जन्म देने के कारण ठाट को जनक और राग को जन्य राग जन्य कहलाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ठाट का नाम उसी ठाट से उत्पन्न हुए किसी प्रसिद्ध जन्य राग के नाम पर रखा जाता है। जिस राग का नाम ठाट को दिया जाता है वह उस राग का आश्रय राग कहलाता है। जैसे राग कापी का ठाट कापी है तो उसे राग कापी अपने ठाट का आश्रय राग कहलाता है। दोस्तों हम गमक के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।